झारखंड के आदिवासियों को हक अधिकार और भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार पर अब आदिवासी विरोध सरकार का तमगा लगना शुरू हो चुका है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार और शोषण जैसे मामलों को लेकर आदिवासी संगठनों के साथ भाजपा के लोगों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में कैंडल मार्च कर हेमंत सरकार का विरोध दर्ज कराया गया। नेतृत्व में हेमंत सरकार के जो कार्यकलाप है उसके विरोध में कैंडल मार्च और यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हम शामिल हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों की इतिहास को आप देखेंगे तो बलात्कार, अपहरण, रंगदारी और कल मेन रोड में चर्च रोड दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पर गोली चली, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है, सरकार का कोई भी बंदा इस पर लगाम लगाने के लिए अभी तक तत्पर नहीं है। आज उसी के विरोध में हम यहाँ खड़े हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, आम लोग आज चर्च रोड के आम व्यापारी आम लोग भी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। केवल इस सरकार के जो वादा खिलाफी की बात है, सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसके विरोध में हेमंत सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जनता उन्हें पदच्युत करने से।